नमस्कार दोस्तों, मैं निशिकांत पलांडे, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव देखा था, उसका ये स्केच है। मैं अभी इस स्केच को वाटर कलर में कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम वाटर कलर करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए उसकी पहले लिस्ट बता देता हूँ। मेरे पास ब्रशेस है, जो एक फ्लैट ब्रश यूज करूंगा। उसके बाद में एक सिंथेटिक हेयर ब्रश है और दो सेबल हेयर ब्रश है। एक दो सेबल हेयर, दो सिंथेटिक और एक फ्लैट ब्रश। तो अब हम इसको हम वाटर कलर करेंगे। तो वाटर कलर करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा पार्ट इसको फोकस करना है। तो जैसे कि रूल ऑफ थर्ड आपको पता नहीं रहेगा तो मैं बता देता हूँ। रूल ऑफ थर्ड्स में क्या रहता है, जैसे हम कैमरे के फोटो निकालते हैं उसी हिसाब से उसको थ्री उसका डिवीजन करता है। ये रूल ऑफ थर्ड मीन्स ये जो हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं उसको हमें फोकस करना है। जो कौन सा भी पॉइंट आ जाए, सपोज हमारा ए पॉइंट है 1 3, तो हमें ए पार्ट को फोकस करना है। मींस मेरा एरिया ए है, तो अभी क्या करना है कि जिधर भी लाइट हिट होती है, मींस डायरेक्ट सनलाइट जिस पे आता है वो ज्यादा ब्राइट होता है। तो मेरे रेफरेंस में ये जो वॉल है उस पे ज्यादा फोकस है, वो ब्राइट है, तो मैं उसको और बाकी जो हमें जो दिखाना है वाटर कलर में हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वो ट्रांसपेरेंसी ही उसका मजा है। तो क्या करेंगे, अभी हम बाकी जो पार्ट उसको थोड़ा सा कूल में रखेंगे, क्योंकि शैडो पार्ट्स में आएंगे और जो लाइट्स पार्ट में आएंगे उसको हम ब्राइट रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे जो सनलाइट जिस पे आ रहा है उसको मैं पहले ये कर देता हूँ, वॉश कर देता हूँ। जितना हम वाटर यूज करेंगे उसी हिसाब से वो पेंटिंग अच्छा बन जाता है। वाटर कलर्स मीन्स जितना ज्यादा वाटर वॉश में यूज होगा उतना अच्छा। ये फर्स्ट वॉश है मेरा। इसके लिए मैं गैम्बोज येलो कलर ले रहा हूं कि ज्यादा ब्राइट हो जाए। ये मेरा फर्स्ट वॉश है, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूं। थोड़ा मैं अभी कोबाल्ट ब्लू लूंगा, उसमें थोड़ा सा ब्राउन से आना डार्क कलर के लिए जो कि इस साइड में है। Thank you.
ये रोड का पार्ट है उसको थोड़ा मैं ब्रांड से आना से ये करूँगा इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी इस रोड पे एक शैडो जैसा आ रहा है तो मैं उसको पहले एक उसी में गेले में थोड़ा सा शैडो डाल के थोड़ा कवर अप करूंगा। उसके लिए भी ब्रांड सियाना और कोबाल्ट भी यूज कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा वायलेट भी उसके अंदर मिक्स कर सकता हूँ। इसको हम हेयर ड्रायर से थोड़ा सा ड्राई कर देंगे। अभी ठीक तरह से ड्राई हो चुका है तो उसके अब हम आगे का काम करेंगे।
पहले मैं शैडो का पार्ट बना रहा हूँ। Thank you.
इस तरह से हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बेसिक कर पाते हैं। ये मेरा छोटा सा डेमो है, आपको समझ में आने के लिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा डेमो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे हम टू पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखेंगे। धन्यवाद।